पानी बहुमूल्य है, उसकी कीमत लगाना मुश्किल है, फिर भी पानी पैसों में बिकता है। कीमत कम हो या ज्यादा वो बात अलग है। दरअसल केरल सरकार ने पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने एसेंशियल कमोडिटीज कानून में शामिल करने के बाद इसकी कीमत पर लगाम लगाने का फैसला किया है। केरल सरकार के इस फैसले से राज्य के 250 करोड़ रुपए के पैकेज्ड वाटर कारोबार पर असर पड़ सकता है। बिस्लेरी, कोका कोला और पेप्सिको जैसे बड़े ब्रांड देश भर में पानी की बोतल 20 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेचते हैं। एक कानून पास किया था। इसके बाद सरकार ने कहा था कि एक लीटर की पानी की बोतल 13 रुपए से ज्यादा की कीमत पर नहीं बेची जा सकती। आपको बता दें कि बोतल बंद पानी का कारोबार सालाना 20% से भी ज्यादा रफ्तार से बढ़ रहा है। एक अनुमान के मुताबिक इस वक्त देश में बोतल बंद पानी का कारोबार 16,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। फिर भी देश की लगभग 5% जनसंख्या को पीने का पानी उपलब्ध नहीं है और करीब 1.4 लाख बच्चे हर साल गंदा पानी पीने की वजह से होने वाली बीमारियों के कारण मर जाते हैं। वहीं दूसरी ओर सरकार की अनदेखी और वाटर मैनेजमेंट ना होने की वजह से पानी का ये कारोबार दिन दुनी रात चौगनी रफ्तार से बढ़ रहा है। राज्य सरकार का कहना है कि इस समय राज्य में कई कंपनियां पानी की बोतलें महंगे दर पर बेचकर ग्राहकों का शोषण कर रही हैं। सरकारी अधिकारियों ने कहा कि पानी की बोतलों की कीमत से संबंधित आदेश जल्द जारी किए जा सकते हैं। केरल बॉटल्ड वाटर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। बड़ी कंपनियों का इस बारे में कहना है कि पानी लो मार्जिन कैटेगरी का प्रोडक्ट है। पानी के बोतल की अधिकतम कीमत तय कर देने से इंडस्ट्री के लिए कारोबार करना मुश्किल हो सकता है। सरकार को इस तरह का कोई भी फैसला लेने से पहले कंपनियों से चर्चा जरूर करनी चाहिए। अब पानी की पैकेज्ड बोतलों पर क्या फैसला होता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन केरल सरकार का उठाया गया ये कदम बेहद सराहनीय है और उम्मीद है कि देश के बाकी राज्यों में भी इस तरह के कदम को उठाया जाना चाहिए।